जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मंगलवार को जगन्नाथपुर स्थित दुर्गा मंदिर पार्क में चौपाल लगाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी मोहल्लों में चौपाल लगाया जा रहा है, जिससे नागरिकों की अलग अलग तरह की समस्या सामने आई है, जिसके लिए निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि चौपाल में अधिकतर मामले विद्युत, साफ सफाई, सड़क निर्माण से संबंधित मामले आए, जिसके लिए टीम बनाकर मामले का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त आरवी सिंह, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, कर्नल सीपी सिंह, पार्षद अमरनाथ यादव, आनंद वर्धन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, कब तक पूरे हो जाएंगे? वो अभी लेना है, अभी तक तो इस साल की योजना का तो अभी तक देख के टेंडर भी रखना है ना। अभी जब पैसा आएगा तब टेंडर शुरू करेंगे, तब तक इलेक्शन आएगा, उसको तुरंत टेंडर दे रिश्ते तो आगे आती है, तंत्र को बातें करना है ना। अभी इसको दो कोई गली कच्ची नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये करा दीजिए, दो गलियाँ इसके कार्य होता है और मैं इसका फल देखूंगा कि हुआ है। सर यहाँ पे जो है एक नाला, एक ही नाला है, ये पुरानी गोरखपुर आबादी का है, अंग्रेजों के समय का वो नाला बना हुआ है, और वहाँ पे जो मेयर साहब का थे मिर्जापुर, वहाँ से लेके दाऊदपुर वो नाला जाता है। तो हम लोग यही चाह रहे थे कि जैसे मेडिकल रोड का नाला बना, उस तरह का प्रोजेक्ट आ जाता है, तो ये पुराने शहर का जो मेन शहर गोरखपुर का है, ये जल्द जमा ये दाऊदपुर जहाँ पर एन सी पी और प्लांट लगा एन सी पी वहीं पर। असल ये पूरे शहर का कम जो मेन वही है, एक ही नाला है, बहुत ज़्यादा। कितना छोटा नाला है? चौड़ा है सर, कम से कम कहीं कहीं 10 मीटर, 8-10 मीटर नहीं भैया, 10 मीटर पूरी नाले की लंबाई, लेकिन कब्जा होते हो मकान तो सर नाले के ऊपर इतनी मकान बन गया सर कि हम लोग चाह रहे थे वहाँ पर सर मजिस्ट्रेट में डिटेल हो जाती है, उसको देख लेते सब लोग अपने आप धीरे धीरे ऊपर काम होते नाला कहाँ पर क्या यहाँ के अपने वार्ड में लग जाता है। क्योंकि बात सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में नगर निगम और पुलिस की टीम, संयुक्त टीम गठित की जा रही है, जो इस पूरे जल निकासी के लिए, इस मोहल्ले से जितने भी जल निकासी के लिए व्यवस्थाएं हैं, प्राकृतिक निकासी है, उसको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करेगी। ये कार्ययोजना और पूरा फोटोग्राफ के साथ स्पष्ट कार्ययोजना चाहिए, तो राजस्व टीम को इसमें लीड लेनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, ठीक सर। इस मोहल्ले पर सर 3 टाइम की वाटर सप्लाई है, सुबह दोपहर शाम के, और फिलहाल तो कोई से शिकायत हमारे हर जी मौके पर आप देख रहे हैं और सरकार के नाम तरफ पड़ा हुआ है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये लेटर दिया गया, पूरे रोड पे है सर, रोड मौके पे केवल एक संकेत का देख लिया है, रोड पे हमारे सभासद भाई साहब हैं, ये उसी आदमी का फेवर करते हैं, वो कागज वो देता है इसके का। सर अभी रोड बनना है ना, रोड बनना है, इम्पोर्टेंट बात, कोई भी गरीब आदमी जिसका पुराना जीर्ण शीर्ण आवास है, जिसके पास छोटी सी जगह है, मानक उसका 30 स्क्वायर मीटर, हर सवाल, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके आप कैसे बेटर होंगे, कैसे आपके लिए बेटर हो कर सके, प्रशासन कर सके, उसके लिए बिल्कुल सर समर्पित है। हम मैं राजस्व निरीक्षक नगर प्रदेश, हमारे साथ लेखपाल माने अनिल राय, और नंबर चाहें तो नोट कर लें, फिर आगे हम बात करेंगे आपसे। हमारा नंबर नोट कर लें, 8896263541। लेखपाल साहब का नंबर 94-56-51-85-95-72। तहसीलदार साहब का नंबर नोट कर लें, 94-44-62-22।
ये हम लोगों के नंबर 24/7 ऑपरेशन रहते हैं। मेरा नंबर भी जरा बोल दीजिए, मेरा नंबर परियोजना अधिकारी डूडा का भी आप लोग नोट कर लीजिए, 8573002279। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8573002279 जी। ये नंबर 24/7 ऑपरेशन करते हैं, चालू रहते हैं। जरूरत है कि हम चैनलाइज हैं, आप भी चैनलाइज हो, सही शिकायतें दर्ज कराएं। ब्लेम के नहीं, जनरली बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, साहब आपस में द्वेष कुछ और कर लिया, उससे बचें और सही चीजों को, समाज को सही दिशा में लाएं। हम आपके लिए तैयार हैं सर। हम बताना चाहेंगे, पाल को पका दीजिए, इस्टीमेट लगाइए, आधार कार्ड लगा दीजिए और एक चीज सर्टिफिकेट आपकी तरफ से चाहिए कि आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी आप नहीं हैं। ये तीन चीजें हमें चाहिए। लेखपाल को रास्ता चलते पकड़ा दीजिए। ये थाने में दर्ज है क्या? मैंने गई कोतवाली में गई थी, वो वहाँ पे भेजे हैं, डीकेपी वाले पे भेजे हैं, फिर वहाँ पे भी ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, तो मैं कहाँ पे जाऊँ? और मेरे कार्यालय से उसकी मॉनिटरिंग भी हो जाएगी और उसको हल करा देंगे। आप निश्चिंत रहिए, इसी तरह लोग आपके प्रशासन आपके द्वार पहुँचता रहेगा और लगातार आपसे सामंजस्य से, समन्वय से और व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सभी को मिलकर इस मोहल्ले को आदर्श मोहल्ला बनाना है। जी सर, स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, हम कराएंगे, हम करा देंगे। आप अपनी स्थिति को तुरंत सर, ये आना था कि यहाँ पे पूरे शहर की बड़ी समस्या, ये स्थिति हमारे अध्यास में दुकान सुधार परमानेंट हम बहुत जाते हैं, तो पालतू है लेकिन सर घूमते हैं, गाड़ी आती है घेर लेते हैं उसको। आप आइए सामने, एक को चलाने सामने से आइए, आप लोग चुपचाप में बैठे चलानिंग करें तभी एक एक करके सुनूंगा ना, एक एक लोग ये थोड़ा पीछे एक एक करके और बताइए, एक एक करके हमें आगे पीछे हो जाओ। आपका भी सर जो है घरेलू मामला है, कैसे मैं हल करूंगा? पारिवारिक मामला नहीं हल कर सारी बात सर, ये सब सड़कों का है जो सड़कें जल रहे हैं, ये बनना चाहिए। काम कर रही है, हम लोगों को मकान भी नहीं बनवाने देने दे रही है और सड़क भी नहीं बनने दे रही है, नगर निगम सरकार भी नहीं बनने दे रहे सब, और इतनी दबंगई है, एक आदमी क्यों दबंगई कर हाँ। आज ये काजीपुर खुर्द मोहल्ले में चौपाल लगाए जा रहे हैं शासन के निर्देश क्रम में, और जो भी समस्याएं आई हैं उसको सूचीबद्ध किया गया, समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक उसको निस्तारण कराया जाएगा। सभी विभागों के संबंध में जो समस्याएं आई हैं, चाहे विद्युत की हों या सफाई के बिंदु के हों या सड़क के निर्माण आदि, उन सब में हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और 100% संतृप्तिकरण करेंगे।